नमस्कार, मैं सिमरन, आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज। डालते हैं ताज़ा खबरों को फटाफट अंदाज में। बलिया में लाइव सुसाइड का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां गन हाउस के संचालक ने फेसबुक पर लाइव आकर खुद को गोली मार ली। आत्महत्या करने से पहले कारोबारी सूदखोरों द्वारा प्रताड़ित करने की बात कर रहा था। आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। गोंडा में बेटे को थाने से छुड़ाने गए पिता की पुलिस की पिटाई से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर सुलह करने का दबाव बना रही थी। वहीं पुलिस शख्स की मौत को हार्ट अटैक बता रही है। फिलहाल परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। फिरोजाबाद के टूंडला में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार कार की स्टीयरिंग फेल हो गई और कार डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में चालक समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना द्वारा हिंदू जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में माता ललिता देवी की मंदिर से किया गया। इसी के बाद इस पैदल यात्रा में लोगों से मुलाकात कर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की गई, साथ ही हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। फिरोजाबाद की दक्षिण थाना पुलिस और एसओजी टीम ने गुजरात पुलिस के साथ मिलकर मुठभेड़ में एक महिला समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मौके से फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में हुई चोरी की घटना को लेकर इन पर कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के जेवरात और अवैध हथियार भी बरामद कर लिए हैं। गोंडा में शिवम कौशल नाम के शख्स के खिलाफ मुनादी कराकर 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। इसके बाद अब आरोपी 6 महीने तक गोंडा जिले में नहीं आ सकता है। वहीं कार्रवाई का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में सरसों के खेत में खून से लथपथ हालत में शव बरामद किया गया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अर्धनग्न हालत में मिले शव को पीएम के लिए भेज दिया है और शव की शिनाख्त में जुट गई है। बलरामपुर में एक युवक ने सरयू नहर पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। परिजनों ने बताया कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिसका इलाज लखनऊ से चल रहा था। फिलहाल पुलिस गोताखोरों की मदद से शव की तलाश में जुट गई है। औरैया के दिबियापुर के रहने वाले रामजी तिवारी न्यूजीलैंड की चैनल से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली है। दोनों की मुलाकात एक ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी के जरिए 2 साल पहले हुई थी। आपको बता दें कि चैनल फराठेदार हिंदी बोलती हैं। चैनल ने बताया कि वो 1 महीने के वीजा पर हिंदुस्तान आई हैं। सुल्तानपुर में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने उप जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जहां उत्कर्ष के हथियारों की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की मांग की गई है। इसके अलावा पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न पर भी कानून बनाने की मांग की गई। मुरादाबाद में शख्स का नगर निगम के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां नाले की सफाई न होने से नाराज शख्स नाले के अंदर ही कुर्सी डालकर बैठ गया। इसके अलावा शख्स ने नाले में चरपाई डालकर सोने की बात भी कही। अमरोहा में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जागरूक एलईडी वैन को रवाना किया गया। 1 महीना लगातार क्षेत्र में घूमेगी ये वैन। इसका उद्देश्य गाँव में जाकर शिक्षा की अलख को जगाना है। डीएम ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को 28 महीने बाद लखनऊ की जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्हें यूपी के हाथरस कांड के बाद जनता को भड़काने और यूएपीए की धाराओं में गिरफ्तार किया गया था। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के माघ मेले में पहुंचे, जहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए। संगम में स्नान के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने साधु संतों का आशीर्वाद दिया। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक और होल्डिंग लगाई गई। पूनम मौर्य की तरफ से लगाई गई होल्डिंग में उनके नाम के आगे शूद्र लिखा दिखाई दिया, जो चर्चा का विषय बन गया है। बुलंदशहर में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने जानवरों को प्राथमिक स्कूल में बंद कर दिया। वहीं सैकड़ों की तादाद में बंद पशुओं को देखकर छात्र छात्राएं वापस लौट गए। अम्बेडकर नगर में दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद प्रेमी जोड़े की थाने में ही शादी करवा दी गई। गौरतलब है कि दोनों को परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद दोनों को थाने लाया गया था। कन्नौज में खनन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 1 जेसीबी और मिट्टी से लदे 4 ट्रैक्टर जब्त कर लिए हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कपल की शादी में करीब 100 से 125 मेहमान शामिल होंगे। इस लिस्ट में कई सेलिब्रिटीज का नाम भी शामिल है। कपल के वेडिंग फंक्शन 5 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेंगे, जबकि शादी के लिए जैसलमेर के पॉपुलर पैलेस सूर्यगढ़ को चुना गया है। भारत न्यूजीलैंड के बीच बुधवार को अहमदाबाद में खेले गए तीसरे और फाइनल T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने 168 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच में शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों से अडानी ग्रुप में उनके एक्सपोजर की जानकारी मांगी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कदम वर्तमान में जारी अडानी ग्रुप के शेयरों में उठापटक के बाद दिया है। बीते दिन ही अडानी ग्रुप ने अपना FPO वापस लिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे माई भारत न्यूज। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज।
अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।